दोस्तों आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो, हमारा 50,000 रुपये का जो लोन है वो बिना किसी सैलरी स्लिप के, बिना किसी इनकम प्रूफ के और बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के यहाँ पर अप्रूव हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है लोन अमाउंट 50,000 रुपये, नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू बैंक, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये पूरे के पूरे रिसीव होंगे। इसके अलावा लोन हमें जो मिला है 6 महीनों के लिए मिला है। लोन लेने के लिए सिंपल सा हम रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव सक्सेसफुली डिसबर्स्ड 50,000 रुपए इनटू योर बैंक अकाउंट। मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो 50,000 रुपए है वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहां पर आप हमारे बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो कि तुरंत के तुरंत टूडे 8:46 पे हमें 50,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो गए हैं। दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको इमरजेंसी है और आप तुरंत के तुरंत आज के आज लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से आप लाखों रुपए का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर अपने मोबाइल फोन से अप्लाई करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर ले सकते हो। प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आप सैलरीड है, आप कुछ भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पर इजीली तरीके से लोन मिल जाता है। यहाँ पर आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, किसी प्रकार का ITR रिटर्न, किसी प्रकार का GST बिल आपसे नहीं मांगा जाता है। अगर आप प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लेते हैं तो यहाँ पर लोन पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो आपका यहाँ पर 13% से लेकर 30% के बीच में लग सकता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए, लोन को वापस चुकाने के लिए आपको जो यहाँ पर टाइम दिया जाता है वो आपको यहाँ पर 3 महीनों से लेकर 5 सालों का दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप प्राइवो से लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको लोन के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है जो कि आपका 1% से लेकर 3% के बीच में हो सकता है। तो अगर आप भी प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के थ्रू लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, इसके अलावा यहाँ पर लोन लेने के बाद उस वाले लोन का जो रीपेमेंट है वो आपको कैसे करना होता है, यहाँ पर लोन मिलने के बाद उस वाले लोन को किस प्रकार से आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो मैं आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे यहाँ पर आपको जो लाइक का बटन मिल रहा है इस पर क्लिक करके सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे यहाँ पर आपको जो सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो जिससे कि मैं जब भी कोई लोन की न्यू वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी न्यू लोन एप्लीकेशन आता है या फिर लोन से रिलेटेड कोई भी न्यू स्कीम आती है, न्यू ऑफर आता है, तो उसका जो अपडेट होता है, उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपको इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्राइवो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऐप, इस वाले ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए चाहो तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वाले ऐप का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद सिंपली अब आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। अब आपको इसको आपको राइट की तरफ स्वाइप करना है और स्वाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेट्स गो का, आपको लेट्स गो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है।
उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाता है, वह वाला ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यह आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है, आपको यहाँ पर अपनी परमिशन को अलो करना है। उसके लिए आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे जो भी परमिशन मांगे सभी को आपको यहाँ पर अलो कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही अब आपसे यह यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जिससे आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, नीचे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यह अब आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा कि मतलब आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब आप जिसका भी यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं वो बंदा क्या करता है, क्या वो सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो सैलरीड है तो आपको यहाँ पर सैलरीड को सिलेक्ट करना है। जिस भी कंपनी के अंदर वो काम करता है उस वाली कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसकी जो भी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पर डालनी है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपकी जो मंथली इनकम है वो आपकी 25,000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी मंथली इनकम है वो डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जितने रुपये की लिमिट के लिए भी एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो हम यहाँ पर 5,00,000 रुपये के लोन की लिमिट के लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है वेल डन, यू आर अप्रूव्ड फॉर एन इन प्रिंसिपल क्रेडिट लाइन अप टू 5,00,000। मतलब हम यहाँ पर 5,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 5,00,000 रुपये का लोन लेंगे तो हमारा जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पर 17% लगेगा, हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो लोन दिया जाएगा वो यहाँ पर 3 महीनों से लेकर 36 महीनों के लिए दिया जाएगा। अब हमें लोन लेने के लिए सिंपली चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू KYC इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, सबमिट करोगे, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP डालकर आप वापस से सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर ओपन कैमरा पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका कैमरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जिसका भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पर एक फोटो क्लिक करनी है, फोटो खींचनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर KYC वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। उसके बाद अब आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, कुछ एग्रीमेंट आएगा। अब आपको इस वाले एग्रीमेंट को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी क्रेडिट लिमिट आपको मिली होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर क्रेडिट लाइन इज एक्टिव एंड रेडी टू यूज। मतलब जो भी लोन आपने सिलेक्ट किया है वो वाला लोन अब आपको आपके बैंक अकाउंट में लेने के लिए, विड्रा करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो जो भी लिमिट है वो आपको नीचे दिख जाएगी। यहाँ पर जो भी आपको लिमिट मिली है इस वाली लिमिट को आप कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो लिमिट मिली है इस वाली लिमिट को अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू विड्रा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा लेना है उस वाले बैंक अकाउंट का नाम सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा उस वाले अकाउंट के अंदर वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा, 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा उस वाले अकाउंट का अब आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ऑटो पे का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आप यहाँ पर लोन ले रहे हो उस वाले लोन को आप जितने महीनों के लिए ले रहे हो तो हर महीने जो आपकी किस्त आएगी उस वाली डेट को ऑटोमेटिक आपके इसी वाले अकाउंट से जो आपने लिया है, अभी आपने 1 रुपये जिस वाले अकाउंट में क्रेडिट करवाया है उस वाले अकाउंट से जब भी आपकी EMI आएगी ऑटोमेटिक अकाउंट से आपका EMI का पैसा डेट आते ही कट होता रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ई मैंडेट सक्सेस
सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पर कुछ आपकी और डिटेल पूछ रहा है कि मतलब आप जो यहाँ पर लोन ले रहे हैं वो आप किस पर्पज के लिए ले रहे हैं, तो जिस भी पर्पज के लिए ले रहे हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जितना भी रुपए का लोन अप्रूव हुआ होगा उस वाले लोन अमाउंट में से आप जितने रुपए का भी लोन लेना चाहते हैं वह वाला अमाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर 3 महीनों से लेकर 30 महीनों तक यहाँ पर लोन ले सकते हैं, तो आपको जितने महीनों के लिए लोन चाहिए उन वाले महीनों को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ईएमआई अमाउंट कितना बनेगा, इंटरेस्ट आपसे कितना चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करने के बाद आपके अकाउंट में टोटल कितना पैसा डिसबर्स किया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट कितना लगेगा, टोटल आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपका एनुअल परसेंटेज से रेट कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें अमाउंट सेट करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएंगी। उसके बाद जितने भी डिटेल्स हैं उनको आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितना भी लोन आपने सिलेक्ट किया होगा कन्फर्म करते ही तुरंत ही आपका जो पैसा है इंस्टेंट, जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर लगाया है उसके अंदर तुरंत ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आपको भी प्राइवो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लेना है तो इसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर फुल डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको प्राइवो से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करता है हम उनका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।